बनाई है हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। पता नहीं किसने धक्का दिया दादी माँ क्योंकि हमारा सबसे पसंदीदा बच्चा खो गया था। नंदिनी तुम जानती हो अतीत में हमने बहुत सारे अपने खोए हैं लेकिन तुम्हें खोने का गम हम सहन नहीं कर पाते। पानी में तुम डूब रही थी लेकिन सांसें हमारी भूल रही थी। तुम्हें सही सलामत देखकर बेटा ऐसा लगता है हमारे जीवन भर की पूजा सफल हो गई है। नंदिनी तुम इतनी देर तक पानी में कैसे रही? दादी माँ हम किसान की बेटी है हमारा बचपन तो ट्यूबवेल और तालाब में तैराकी लगाते लगाते ही बीता। हम अपनी सांसें 5 मिनट तक रोक सकते हैं तो बस वही रोक के दूसरी तरफ आ गए। हमें ये जानना है कि हमें जान का दुश्मन कौन बना हुआ है किसने मारा हमें धक्का। हम इस बात का पता लगा कर रहे कि वो कौन है। हम पता लगाएंगे दादी माँ। तुम्हें क्या लगता है तुम उनके सामने जाकर खड़ी हो जाओगी तो क्या वो अपने जुल्म कबूल कर लेंगे? तो फिर हम क्या करें दादी माँ? धक्का देने वाले का पता लगाने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। सोचो क्या कर सकते हैं हम।
दादी माँ, हमारे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्या? दादी माँ, अब इन लोगों के मन से इंसान का खौफ तो उठ चुका है, इसलिए अब इन्हें नंदनी नहीं, नंदनी का भूत सबक सिखाएगा। भूत? तुम सही कह रहे हो, ये लोग सीधी तरीके से बाज नहीं आएंगे। उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें ऐसा ही कुछ हथकंडा अपनाना पड़ेगा। तो चलिए दादी, हाथ मिलाइए, हम दोनों मिलकर ये पता करेंगे कि हमें धक्का किसने दिया। साथ झूठ बोलकर हमें बुरा तो बहुत लग रहा है, पर ये पता लगाने के लिए कि हमें तालाब में किसने धक्का दिया, हमारा गुनहगार कौन है, हमें ये सब करना पड़ेगा। बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है, इस बार तो उन्हें बुराई की हर हद पार करती है, लेकिन हमें पूरा यकीन है तुम गुनहगार को जरूर पकड़ लोगे और हम उन्हें जरूर सजा देंगे। दादी माँ, इस घर में ऐसा कौन है जिसने हमें मारने की कोशिश की, हमें तालाब में धक्का दिया? ये बात हम पता लगा कर रहेंगे। बाप रे, अब तो तंदूर की भट्टी की तरह गर्म हो रही है सासू माँ। अरे चंडा, तू फिर से आ गई, हट जा। सासू माँ, ध्यान से देखिए, ज्योति है वो, दूध लाई आपके लिए। लो। उसके पीछे पीछे नंदी। प्यारी,
कहीं से नहीं लगती तुम। फिर भी हम प्यारी हैं। हाँ तो प्यारी जी यहाँ क्या करने आई हो? दीदी जी ये हमारी बहन है प्यारी, उसके दांतों का इलाज कराने यहाँ शहर लेकर आए। हमारे गांव में दांतों के डॉक्टर नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ आए थे शहर में। नंदनी ने बात की है सुमिता दादी से, उन्होंने कहा जब तक इसके दांत अंदर नहीं हो जाते ना वो यहीं रहेगी इसी घर में। सुमित्रा दादी ने कहा था ऐसा? सुमित्रा दादी ने तो इस घर को आश्रम बना रखा है, किसी को भी घर में रहने की इजाजत दे देती हैं। चिंता मत कीजिए, हम घर के सारे कामों में मदद भी करेंगे। सुमित्रा दादी नहीं देंगे, इससे ना भर भर के काम कराएंगे। हाँ तो ठीक है, अगर सुमित्रा दादी ने कहा है तो रहने दो इसे। करेक्ट जी, धन्यवाद। चले प्यारी, चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ो। ज्योतिबा में समझ नहीं आता कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है। चले प्यारी। वापस तो आ गया और हम ये पता लगा कर रहेंगे कि आखिर कौन है जो हमें मारना चाहता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? दो दिन से नंदनी का कुछ पता नहीं चल रहा है, किस बात के पुलिस है जो दो दिन से एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप लोग? देखिए अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं देख लूंगा। कौन हो तुम? हम प्यारी हैं, मुरली भैया की बहन और नंदू की सबसे पक्की सहेली। जी है ना नंदू के पति, नंदू बहुत बताया करती है आपके बारे में, बच्चा प्यार करती है वो आपसे, हमेशा आप ही के बारे में बताती रहती है। आपके लिए केले का शरबत लाए थे। दूध वाला शरबत बनाना सीखना है, लीजिए। ये किसने बनाना सिखाया तुम? बताया तो, नन्नू हमेशा आप ही के बारे में बताती रहती है, उसी ने बताया कि आपको केले का शरबत और अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद है। अब अंग्रेजी बोलनी तो नहीं आती ना हमें, इसलिए केले का शरबत बना लिया है, लीजिए। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने सबसे पहले यही बनाना क्यों सीखा? पता है कि आप रोज सुबह यही पीते हैं इसलिए। कैसा है? अच्छा, तुम भी पियो ना। अरे वो मेरा झूठा है। लगता है किसी की याद आ रही है आपको। नंदनी भी ऐसी शरबत बनाया करती थी। अच्छा, मतलब आपको नंदनी की याद आ रही है, और वो तो बताया करती थी कि आप उसकी कदर ही नहीं करते, फिर कहे उसकी इतनी याद आ रही है आपको।
नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही, जाओ तुम। नंदनी, हमने तो इस हुलिया में तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। दादी माँ, जब बड़े वाले लोगों का फायदा शातिर लोग उठाने लगे तो ऐसे दूसरा मुखौटा तो लेना ही पड़ेगा ना। हमारी नंदनी, हमारी पुरानी नंदनी। दादी माँ, हमारा ये रूप हमारे गुनेगार के असली स्वरूप तक पहुंचाएगा। हम हमारे गुनेगार के साथ साथ हमें एक बात का और पता लगाना है। क्या? कि अंग्रेजी हीरो जो हमारे लिए रो रहे हैं, वो सच में रो रहे हैं? क्या सच में उन्हें हमारी इतनी याद आ रही है? दादी माँ, आप कहती है ना कि पत्नी का पहला काम होता है अपने पति के दिल में घर करना। देखिएगा, हम अपने पति के दिल में घर बना कर रहेंगे। सुमित्रा को जाके बोलना पड़ेगा, इस घर में शांति पूजा करवा दे। इस घर में तो नंदनी का सा है। सुमित्रा, जेठानी जी आ, अरे मेरी मैया, तुम दोनों सास बहू मिलके हमारा बेवकूफ बना रहे थे। सास बहू मिलकर अब कहना क्या चाहती हैं? क्यों सुमित्रा, हिंदी समझ में नहीं आ रही? तू और तेरी नंदनी मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे। नंदनी? क्या नंदनी वापस आ गई? कहाँ है नंदनी? कहाँ है? लेकर चलो। ये खड़ी है ना सामने। कहाँ है नंदनी? जेठानी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बड़ी दादी, हमारी आत्मा से उन्हें दिखाई देती है जिन्होंने हमें सताया हो। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। जेठानी जी, किससे बात कर रही हैं आप? नंदनी से। आपको क्या हो गया है? यहाँ पे कोई नहीं है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? हम आपके लिए पानी लेकर आए। सुमित्रा, तुमको सामने खड़ी नंदनी दिखाई नहीं दे रही? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। आप रुकिए। दीदी, क्या हो गया? नंदनी, तुम कितनी शरारती हो, कितनी बुरी तरह डरा दिया जेठानी जी को। चिंटू मेरे ख्याल में हमको क्यों दिखाई देती? अरे कोई नहीं है, चलिए मैं हूं ना, डरिए मत। आई किसी को भी दिखाई नहीं देती, हमको दिखाई देती है। हमका मार डालेगी घर में, अपने घर दिन मरोड़ कर हमका मार डालेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सासुमा, आई तुम यहाँ। कभी हमका बहुत डर लग रहा है कभी यहाँ।
आपका बहुत डर लग रहा है कविया। बैठिए शांति से, बैठ जाइए। शांत हो जाइए सासू, ऐसा कुछ नहीं होगा। शांति कहाँ से लेके आए कविया? अब तो जीवन में अशांति फैल। पहले तो चंटू मैया की आदत सिर्फ रात को दिखाई देती थी, अब तो किसी भी वक्त दिखाई देती। कभी मैं आ जाती। सासू आप यहाँ बैठिए शांति से और दूध पीजिए, मैं आपकी दवाई लिख लेती हूँ। बड़ी दादी, आपका यही डर हमें सच्चाई तक पहुंचाएगा। महावीर जब नाम सुनावे। अम्मा जी आप ठीक तो है ना अम्मा जी? चुप। अम्मा जी नहीं, सेठानी बोलो। सेठानी, हम इमरती देवी भारद्वाज, सेठानी इस घर के। जी पिता, तू नंदिनी की सहेली है ना? क्या तेरे को भी नंदिनी दिखाई देती है जैसे हमको दिखाई देती है? दिखाई देती है ना, है ना? काश हमें वो दिख पाती। नहीं दिखाई देती, हम कहीं दिखते। जय हसे। आपका क्यों दिखाई देती? आपका मार डालेगी का। आपको क्या दिखाई देती? बहुत सताया ना आपने हमें, अब हमारी बारी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.